वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको सबको पता है पिछले ब्लॉग में मैंने बोला कि अभी आज डे 3 है और साइड सीन है, लोकल साइड सीन है, 8 किलोमीटर के एरिया में हमें घूमना है। तो आधा व्लॉग तो पहले हो चुका है, अभी हम थोड़ा खाना वाना खाए, फ्रेश हुए और अभी हम जा रहे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि नेक्स्ट गार्डन शालीमार गार्डन, और उसके बाद करेंगे शिकारा। तो इस ब्लॉग में आपको पूरा डल लेक एंड ऑल सब कुछ दिखाई देगा। देखो देखो शरीर कश्मीर से, इसको दुपट्टा लगाना बाकी है, उसके बाद ठीक है। चलो चलो अभी निकलते हैं, अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है मुझे, और मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ ब्लॉग की वजह से। गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी शालीमार गार्डन में और मम्मी टिकट निकाल रही है। टिकट एंट्री फी 24 है अडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 12 रुपीज़। तो यह अभी अंदर चलते क्योंकि हमें इसके बाद शिकारा भी जाना है, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम इधर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ तो फटाफट निकालेंगे। गार्डन वैसे तो फ्लोर तो सब जगह सेम ही, जस्ट उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है इसलिए, बट हम कवर करेंगे थोड़ा बहुत। ये भी गार्डन सेम वैसे निशात और शालीमार दोनों भी कॉम्पिटिशन है एक दूसरे को, तो दोनों भी सेम ही है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब इतने 22 सालों से मैं आती हूँ हर साल, बट अभी तक मैंने पूरे गार्डन देखी नहीं, कौन सी भी नहीं देखी। चश्मे शाही बेस्ट है, दो स्टेज में ख़त्म हो जाते हैं। तो शर्मी को सब कश्मीरी समझ रहे हैं। मैं तो ना कुछ भी जिब्रिश में बोल दूंगी, लगेगा उनको मैं कश्मीरी। चलो अंदर चलो चलो चलो। तो जैसे कि मैंने बोला था ये गार्डन निशात को कॉम्पिटिशन है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों। अभी और दिखा देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा, फिर आप बताना कौन सी गार्डन अच्छी है, ठीक है। तो गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ और आपको इधर का भी व्यू दिखा चुकी हूँ, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है, बारिश शुरू हो गई। इधर का क्लाइमेट का कुछ भरोसा ही नहीं है, कभी बारिश कभी धूप कभी कुछ भी आ जाता है। तो देखते हैं अभी क्या करना है, पहले आपको व्यू तो दिखा देती हूँ। गाइस देखो यहाँ पे भी कश्मीरी ड्रेस में कुछ लगा देती हूँ, ये देखो ऐसे इस टाइप का ड्रेस रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि मोस्टली आप निशात या शालीमार दोनों गार्डन में ही पहनना, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि गार्डन कितनी दोनों अच्छी है, तो उन दोनों में पहनना। और इधर पानी भी है दोनों गार्डन में, तो आपको पानी के साथ भी फोटो हो जाएगा, और रोज और फ्लावर्स के साथ और ग्रीनरी भी है, तो अच्छा है सब कुछ है। तो इसी गार्डन में या फिर निशान में निकाल अच्छा, लेकिन इस गार्डन के फोटोज ना बहुत लेट मिलते हैं, और 10 मिनट बोलते हैं और आधा एक घंटा रुकाते हैं। तो वैसे आप देख लेना कैसा है, वो होटल पे पहले देते थे, अभी बंद कर दिया तो अभी नहीं देते, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करना किधर क्या निकालना है। यहाँ पर जो ड्रेस मिलता है भाड़े से कश्मीरी, उसका शालीमार में रेट 150 है। 150 में आप उनका कुछ एक क्लिक हो या कुछ होगा क्लिक, आप अपने फ़ोन में बहुत सारे क्लिक निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो लोग एक क्लिक बोल के बहुत सारे क्लिक करते हैं और फिर बाद में 50-60 कॉपीज निकलते हैं और आप पे बिल फाड़ते हैं। तो वो ध्यान रखना कि एक बोला है तो सिर्फ एक ही निकालना और बाकी अपने फ़ोन में निकालना। ओके तो इसके साथ हाय करो, ये मानता ही नहीं। हेलो करो, हाय आप, हेलो करो ना, कैसे खुआ था जीओ, हाय कर। तो गाइस देखो आप पीछे देख सकते हो, और उसके बाद भी ऐसे ही और सेम ऐसा आगे है ऐसा सेम, बस टाइम नहीं है। तो अभी इधर से रिटर्न जाएंगे क्योंकि हमें शिकारा में जाना ऑलरेडी लेट हो चुका है, बारिश भी आ रही है और शिकारा में अच्छे फोटो भी चाहिए, और शिकारा में मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा, आपको पता चलेगा क्यों। तो चलते जल्दी। तो गाइस अभी हम शिकारा के लिए आ चुके हैं, एक्चुअली काफ़ी लेट हो चुका है, निकल रहे थे टाइम से लेकिन रास्ता बंद हुआ तो फिर घूम के आना पड़ा।
तो अगर आप शिकारा के लिए आए आओगे तो 5 बजे तक आ जाना, 5 के बाद ना आए तो अच्छा है, लाइट नहीं मिलती इतनी। और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग करना, अभी 7 बजे मतलब सोचो 2 घंटे हम लोग लेट है। फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे पीछे, रुको मैं पूरा ही दिखा देती हूँ कि शिकारा होता है क्या है। ये देखो गाइस, यहाँ पे बैठने के लिए मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं, और नहीं तो 1-2 लोग भी बैठ सकते हैं, इतना ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, पर फर्स कंट्रोल हो सकता है अगर आप आ सके। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ फटाफट बार्गेनिंग करते, आपको रेट बताती हूँ और फिर मिलती हूँ। हाँ गाइस, हम बैठ चुके शिकारा में फटाफट, 800 रुपया 1 घंटे का राइड, ज्यादा कुछ लिया ही नहीं क्योंकि वैसे भी शाम होगी, अंधेरा होगा। और पीछे हमारे साथ विशु और मौसी। अरे यार हमें तो सिर्फ इसके लिए चाहिए ना फोटो तैयार कारण खरच मारे ऐसे ना सरकायचा टिल्ट होईल। चांगला फोटो आहे मॅडम जी, नाही 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 आप बहुत तो वो चेंज कर सकते हैं ना अभी। चलते चलते, हां यू कैन चेंज। नहीं अंकल जी, 200 बिस्कुट ज्यादा ही हो रहा है। मैंने कौन सा पूरी में देखो, पानी में आप कपड़े भी चेंज कर सकते हो, तरी पण होता है। हां तरी ठीक है, काय तरी बेटर। चलते 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 चलते, लेकिन अंकल ज्यादा बोल रहे, 200 बिस्कुट ज्यादा ही होता है। चलो 5 रुपये कम दे दो। 5 रुपये क्या अंकल है, फोटो कार्ड। नहीं नहीं, अरे अंकल फोटो निकाल रहे हैं, साइड हो जाओ ना। अरे चिटकून है, क्या करूँ आता मैं, काय चाहिए मैडम जी। ये देखो क्या है, हमारा भी ड्राइवर है, आपके भी ये चलता है, हमारा काम है ना ये। यहाँ पे एक्चुअली पानी में सब मिलता है, धीरे धीरे खाने को आएगा, अभी तो शाम है पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन खाने को आता है, पीने को आता है, केसर बेचने को आता है, ज्वेलरी बेचने को आता है, सब आते रहते हैं। अरे दोनों साइड ला ले अंकल, बाजू बाजू मत ले कर, हमको कितनी आवाज है, ये चलता है ना, ये सब चलता है। मार्केट भी है पानी में, कितना शोर मचा दे रहा। पानी में खेती भी होती है यहाँ पे, अभी देखने को नहीं मिलेगा, ये जो जो बचा है वो सब अगले साल। अरे सरकत ने कस करना, हा मागेच लागला यार, सोडतच नाहीये। जाऊ दे तू, दूर 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 चलो, सरकला तुम्ही किनाऱ्याला आला। अरे कस सरकून काय, तरी होत नाहीये, जे आलं ते घे बॅकग्राऊंड। काश्मीर नाही नाही पहिले भी आया। हाँ एक मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो हाउस बोट है, और उनका रेट फिलहाल अभी तो चल रहा है 4,000-5,000 से स्टार्टिंग है। तो फोन वरून दे, 3 या 4 रूम्स रहते हैं एक ही हाउस बोट में। मेरा शक्ल देखो कैसे आ रही है, माता तीन चार फोटोज रूम फोर 3-4 रूम ही रहती है एक हाउस बोट में। चल भी फोटो निकाल, हम सब ना भाग भाग के फोटो निकाले क्योंकि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है यार। बस चलो अभी फटाफट मैं भी जाती हूं फोटो चाहते। गाइस नई जगह पे जगह चेंज कर विशु के साथ, विशु पिच पे आ रही है अभी, हम मैं जाऊंगा उधर और फोटोज निकाल। चले हाँ ऐसा है तो बहुत। हाँ गाइस अभी मैं उधर जा रही हूँ। निर्जा बाबा देखो उधर कुछ हो रहा है, उनको हैरेस कर, उनको लेने के लिए परेशान कर रहा है। गाइस मैं आगे बैठ चुकी हूँ, और मैं अभी इधर से आपको व्यू दिखाती हूँ पूरा। सो ये है दल्ली।
स्टार्टिंग स्टार्टिंग हम शायद अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बोला आपको लेट होगा, इसलिए जितना है जो भी है यहाँ पे सब लाइटिंग्स लग चुकी है और काफी सुंदर है। ओके गाइस, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो ए ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड जो ग्रेड्स है, तो ये मेरे पीछे वाले जो हाउस बोट्स है ये बार इनका एक सेकंड दिखा देते हैं। ये देखो ये टॉप ग्रेड क्या हाउस बोट है और इनका रेट 8,000-9,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो हाउस बोट है अच्छा, लेकिन एक दिन के लिए अच्छा है। मैं होटल और हाउस बोट में कंपेयर करूँगी तो सेफ्टी ज़्यादा होटल में, तो उस हिसाब से आप देख लेना। और ए वन डे के लिए आप रुक सकते हो, एक दिन मज़ा है कुछ अलग एक्सपीरियंस के लिए, बट क्योंकि कश्मीर में 3-4 दिन तो रहना ही पड़ता है, तो उस हिसाब से आप एक दिन और 3 दिन होटल ऐसा कुछ कर सकते हो। गाइस हमें सनसेट मिला है अभी, गया आपको शायद देख लो, ये देखो अंकल देखो हमें बोल रहे हैं स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो, इधर बारिश होगा हमें ठंड लगती है आप स्वेटर पहनो, लेकिन हम देखो कैसे ऐसे घूम रहे हैं, ये तो ठंड ही नहीं है इस बार, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कश्मीर में सब नया नया तो है ही, बस ठंडी भी नहीं है, बहुत गर्मी है इधर तो, मतलब स्वेटर पहने के बेरेबल है ठंडी, मतलब स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। मैं सबको दिखा देती हूँ मैं अभी कि हाउस बोट नज़दीक से कैसे दिख रहा है, अभी हम उधर से टर्न कर रहे हैं। एक ये कमरा है, फिर एक सेकेंड और ये थर्ड और फोर है, और ये जो है वो वाटर लिली है, येलो कमल टर्न ले लिया हमने। हम हाउस बोट के बीच में से ही जा रहे हैं कब से, ये देखो पेड़ के जो अंदर वाले हैं ना, ये थोड़े प्राइस उनके कम होगी, ये तो बंद ही है शायद। गाइस आपको दिखा देती हूँ अभी कैसे वो शिकारा में पानी में शूट करते हैं कश्मीरी ड्रेस पहन के, अभी अंदर है तो इतना दिखेगा नहीं, फिर भी देख लो मैं काटना होती पर जास्ता पैसे सांगते हो। सुकून शांति है, अभी बकवास दिख रहे कैसे सुन लो मेरे, देखो अभी लाइट लग गई है पूरी हाउस बोट को, देखो कितना सुंदर लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, वाह वाह वाह। गाइस हम होटल पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने, फेमस वाली हाँ अंकल अंकल के पास है। अंकल क्या प्लेट है? 10 रुपए के 4 पीस। 10 रुपए के 4 पीस, हाँ ठीक है, एक ही प्लेट दे दो, प्लेट दो चार, 10 रुपए के 4 पीस दे रहे पानी पूरी। और गाइस मुझे आपको इनका एक्सप्रेशन दिखाना है, बस इसके लिए मैं इनको लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, तो इनका एक्सप्रेशन देखते हम लोग। विशु खा, विशु एक किलो कर, नेहा लवकर जा, नेहा नेहा लवकर गे इकडे बघ, नहीं चाहिए। कैसी थी विशु? इधर आओ तो जरूर खाना, मुझे इनको खिलाना था, मैं कब से पीछे पड़ी थी कि खाओ खाओ खाओ, फाइनली मैंने खिला दिया, लेकिन अच्छा है 10 रुपए के 4 है।
अभी प्रतीक खाने वाला है, उसके भी एक्सप्रेशन दे रहे। तू खा ले रे? अरे खा ले, दिस इज वन स्पेशल वन। खा ले, खा ले, उठा ले। कैसे? काकी खाल ना का? आता अभी खत्म कर, एक मंगाया क्यों? बोला तू एक खा। मैं एक खाएगी, अभी तू एक खा। तू खा एक, तो खा एक, मैं नहीं खाऊंगा, चलेगा? मेरे को चलेगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो गाइड्स, बस यही था आज का दिन हमारा, मतलब दो ब्लॉग में बना के था, और होप सबको अच्छा लगा होगा। गार्डन्स एंड लेक और मेन जो प्लेस है कश्मीर का अट्रैक्शन जो है, वो पूरे में दो ब्लॉग में डाल दिया है मैंने, तो होप सबको अच्छा लगा होगा। अभी हमारी सिर्फ एक ही प्लेस बची है और उसके बाद जाएंगे घर। तो या अभी कल मिलते हैं हम, और यहाँ पे पानी पूरी आप जरूर ट्राई करना। विशु को बहुत पसंद आई है। मैं तो बहुत ज्यादा। विशु यहाँ से पार्सल लेके जाने वाली है। मैं इधर से क्या बोलते हैं, मोटिवेशन लेके जाती हूँ। विशु घर पे ऐसे बनाने वाली है। तो और इधर इधर के लोगों को नेक्स्ट टाइम आएगी तो पानीपुरी लेके आने वाली है अपने साथ, है ना विशु? हाँ। तो क्या अभी कुछ नहीं, क्या बोला था तुम्हारा? अजून कुछ नहीं बोलने का था मुझे, बस इतना ही। हाँ यार, बस इतना ही। अभी मिलते हैं कल, कल जाना गुलमर्ग, और पता नहीं अभी गंडोला जो रोप वे है गुलमर्ग बर्फ की तरफ जाने वाला, वो ऑलरेडी उसका बुकिंग ऑनलाइन होता है, मतलब उधर जाके भी होता है, बट ऑनलाइन सब बुक कर दो, सब फुल कर दिया है, तो टिकट तो अभी नहीं मिली हमें। अभी उधर जाके अब मिला कुछ, तो नसीब से रहे तो आजू बाजू के प्लेसेस घूमेंगे। वैसे भी बर्फ का हो ही गया, बट फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, उधर का बर्फ कुछ अलग है इसलिए। एनीवेज चलो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, चलो।